पेंट की मोहरी छोटी हो गई है, फिर असि छोटिया सवा लेंदे तो पता लगता उधर हूं वड्डी हो गई है, जहाज लेट पहुंचे सुहेल अहमद साहब की एक पंजाबी फिल्म आ रही है जिसका नाम है की नाम से बाबे भंगड़ा पाते हैं, ठीक है, दलजीत दोसांझ सरगुन मेहता नाल लीड रोल दे विच, एंड उन्होंने यू नो मतलब अमेजिंग उन्होंने परफॉर्मेंस, उन्होंने जुगता मारन का स्टाइल, उन्होंने कॉमेडी करने का तरीका, एवरीथिंग इज गोना अमेजिंग। सो आज आपां एक देखन लगे हैं इन्हां दा इंटरव्यू, एंड लेट्स वॉच के इंटरव्यू दे विच किद्दां दीआं कुछ एक दूजे बारे गल्लां बातां करदे आ जां कुछ इदां दे सीक्रेट सामने लैके आउंदे आ फिल्म दे दौरान शूटिंग दे दौरान जो उन्हां दे वाक्य होए जां इंडिया पाकिस्तान बारे पंजाबां बारे की गल करदे आए। सो लेट्स वॉच दलजीत दोसांझ इज़ माई फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट, सरगुन मेहता मेरी फेवरेट, एंड सुहेल अहमद साहब मेरे फेवरेट, मतलब तीनों बंदे मेरे बहुत ही ज्यादा फेवरेट। देखते हैं आज चलो रेहन दियो फिर पांच तरीक अपनी फिल्म लगनी है बाबे भंगड़ा पांदे ने पुत्तर वाह वाह एक तो बहुत ही मिठा बोलते थोड़े पास बहुत ही अच्छा। ये सब तो पहली गल कि इंटरव्यू हैगा पाकिस्तान के ही चैनल पर है, ठीक है, पाकिस्तान वालों ही कोई एंकर है जिन्होंने इंटरव्यू इन्हों का लिया। सो इतने बोली की गल हो रही है जिवें मैं हमेशा कहना लगता भाजी भी उही गल कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जिहड़ी पंजाबी है बहुत मिठी बोली जाती है। मिठी है ते ओ मैनूं हमेशा यही पुछदे सी हर बार जदों मैं उत्थे भाई साडे वाले नाल कदों काम करोगे। मैनूं लगता है जदों दी मैं पहली फिल्म करी है मैनूं इन्ने मैसेजेस आंदे आ पाकिस्तान तों, है ना, इन्ने लोकां दे मैसेजेस आंदे आ। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री इस टाइम बड़े ही अरूज थे, मतलब स्पेशली अगर इस टेक्नोलॉजी के दौर की भी गल करिए तो, लेकिन असी पंजाबी फिल्मों च अज भी वो ही साड़ा पंजाब दा कल्चर वेखन नूं मिलदा है। इस फिल्म की अगर गल करिए तो कित्थे शूट हुई और इहदे शूटिंग का किन्ना दौरानिया सी और केड़ी केड़ी लोकेशन थे? मोस्टली कैनेडा शूट किए असी, कैनेडा वैनकूवर दैन विक्टोरिया कलोना जिते इतने वधिया लोकेशन सानू लगदी सी जिहड़ियां पहला डिस्कवर नहीं सी होईयां। जिदा सुहेल सर ने दस्सिया कि ओबियसली साडे सारयां दी इह कोशिश है कि सिनेमा नूं होर बेहतर किया जाए, और जे उस चीज़ से तुसी वर्क नहीं करोगे फिर ऑब्वियसली सेम टाइम पे हिंदी फिल्म भी लग रही है, इंग्लिश फिल्म भी लग रही है, पंजाबी फिल्म भी लग रही है ना, कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली फिर कोई क्यों देखने जाऊंगा जे तुसी क्वालिटी नहीं दोगे, मेहनत करोगे राइट। तो फिर ऑब्वियसली ये सोच के दैन थिंद भाजी हुणा दा हमेशा सपोर्ट रहा कि जिथे भी शूट करना तुसी करो, नवी लुक लगनी चाहिए है, नवी फिल्म लगनी चाहिए है, इदा नहीं लगना चाहिए कि पहला देखा हुआ है। सो बस यही ध्यान च रखते हुए अलग अलग। और भाजी अगर गल की जाए पिछले कुछ चार पाँच साल तो असी वेख्या है कि चढ़दा पंजाब होवे लहिंदा पंजाब होवे दोनों मुल्कां दे आर्टिस्ट मिलके स्टार्ट होया, चल मेरा पुत्त बहुत सारी फिल्म आई है, मिलके बहुत सारे आर्टिस्ट ने काम किया, इस रिवाइवल नूं किस तरह वेख रहे हो तुसीं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री च? बहुत वधिया गल है जी, बिल्कुल। आर्टिस्ट देखो आर्टिस्ट दा तां आर्टिस्ट लई तां कोई बाउंडरी होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल हाँ जी, ते उह सारयां दा सांझा है, ते बड़ी खुशकिस्मती है सारे आर्टिस्ट एक दूजे नाल काम करते पे हैं। मैं तो पहले दस्या इंटरव्यू शुरू होने तो पहले कि असी बहुत लकी हाँ कि सुहेल सर नाल काम कर रहे हैं, इन्ने महान कलाकार इन्ने वड्डे आर्टिस्ट दे नाल काम करना बहुत वड्डी गल है, बहुत वड्डी गल है, ते असी लकी हाँ अपने आप नूं महसूस कर। हालांकि ये देखो जिस टाइम मतलब इस टाइम पर दलजीत दोसांझ जिहड़ा नाम है ना वो बहुत वड्डा नाम है, इंटरनेशनली ग्लोबल लैवल पर मतलब नाम है दलजीत दोसांझ, बट वो देखो कितना हंबल है, पर्सनैलिटी मतलब वो कितनी वाइज है कि वह डाउन टू अर्थ अपने आप शो कर रहे हैं, है ना। तो सुहेल अहमद साहब का तो कहना ही क्या है यार, मतलब वो लीजेंड बंदे ने, वो चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, जिन्हें भी कॉमेडियन है मतलब सब दे वो उस्ताद ने, ठीक है, और बहुत वधिया रुझान है, तो परमात्मा करे होर भी वधिया होवे, होर भी सारे वधिया काम करन, इस तरह ही चलता रहे, 100% प्यार बने रहे। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल वही बात है जी कि आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज और होनी भी नहीं चाहिए, इतना क्रिएटिविटी की या आर्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं है, हम तो एज आर्टिस्ट हैं कोई भी लैंग्वेज में काम करेंगे, जिस भी लैंग्वेज में हमें लगेगा कंटेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जब पंजाब पंजाबी फिल्में और इतना पंजाब हमारा इस साइड है, इतना ही पंजाब हमारा इस साइड है ना, दोनों तरफ पंजाब है, तो दोनों तरफ का प्यार मिलकर हम और बड़े होंगे, और ये पंजाब के लिए बहुत बड़ी बात है।
पंजाब के। सर साहब आपको कैसा लगा ये रिवाइवल स्पेशली पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री? बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। आर्ट जो है ना जी, उसको तो आप पाबंद नहीं कर सकते ना, वो तो पूरी दुनिया में, गोरों की फिल्में पूरी दुनिया में लग रही हैं, पाकिस्तान में लग रही हैं, इंडिया में भी लग रही हैं। तो ये जो खास तौर पर जो पंजाब है ना जी, ये चूंकि कल्चर बहुत ज़्यादा एक है, सारा ही सेम है, सेम कल्चर है, तो उहदे च बहुत ही अच्छा मिक्स हो रहे ने आर्टिस्ट जिहड़े ने, जिन्हां ने भी पहले भी काम किया है, पाकिस्तानी एक्टर्स ने पंजाबी मूवीज़ दे विच, इंटरनेशनल मूवीज़ इन को ने जी इंग्लैंड और कैनेडा च बन रही ने इस वेले, तो वह बड़ा अच्छा फील हुंदा है, बहुत खूबसूरत कंबीनेशन बनता है। और मैं तो बिल्कुल कहने कोई आर नहीं मैनू कि इस वेले जिहड़ा ये चढ़दा पंजाब है, इन्हां दे जिहड़े दो तीन अदारे ने खास तौर पर जिहड़ा टॉप ऑफ द लिस्ट इन्हां दा दिलजीत जी दा, दोवें ही दिलजीत ने, साढ़े प्रोड्यूसर भी दिलजीत थिंड साहब और दूसरे प्रोड्यूसर और मेन साढ़े हीरो जिहड़े ने दिलजीत दोसांझ साहब, इन्हां दा कंबीनेशन जिहड़ा बने है, इन्हां दा सोच पंजाब दे हवाले नाल बड़ी वधिया है, बड़ी उच्ची सोच है, पंजाब नूं एक नेक्स्ट लेवल अच्छे लेवल दे उत्ते नेक्स्ट लेवल ते ले आना चाहते हैं। दिलजीत हमेशा इस चीज लिए मतलब खड़ा लगता है, मैनू ते पंजाबी होने दे नाते मैं ते बड़ा इनू अच्छा फील कर जी, बिल्कुल हर पंजाबी प्राउड फील करता है कि दोनों पंजाब दे आर्टिस्ट मिलके जदों काम करदे ने। दिलजीत भाजी अगर इस फिल्म दी गल करें ते ताड़े दिल दे किन्नी करीब है फिल्म, और शूट दे दौरान कोई ऐसा वाकया या दिलचस्प ऐसा कोई होया होवे कि तुहानू हमेशा याद रहे? देखो कपड़े देखो दिलजीत दे हमेशा जिहड़ा फैशन सेंस है ना, वो स्पैनिश तुसी कह सकदे आ जां इटालियन, मतलब ओवरसाइज्ड कपड़े, अजकल ये फैशन बड़ा चलिया ओवरसाइज्ड, ठीक है, तो मतलब इन्हां दी जिहड़ी फैशन सेंस है ना वो बहुत जबरदस्त है, उहदे विच इटालियन स्पैनिश जां अमेरिकन स्टाइल काफ़ी सारे स्टाइल्स है जिहड़े मिक्स हुंदे आ। एंड आई थिंक एक टर्बनेटर होण दे नाल नाल जिहड़ी ओह इस चीज़ नूं कैरी करदे ने, दैट्स सुपर अमेजिंग। दस्सिया कि पहली बारी मैं अपने मतलब मैं सरगुण जी ने पहली बारी फिल्म कर रहे थे, असी इकट्ठे कदे फिल्म नहीं की थी, ते कई बारी पहला सबब बनता बनता रह गया, बट जो हूँ होंगे उदो ही होंगे। सो मेरे मैं पहली बार सरगुण जी ने काम कर रहे थे, पहली बार मैं सुहेल सर मिल रहा से, उन्होंने काम कर रहा है, तो मेरी तो मिलन की इच्छा से, काम कर मैं नहीं सोचा, मेरी मिलन की इच्छा से यार जिस आर्टिस्ट को तुम पसंद करते हैं तो हर एक का चा हों का उन्होंने मिलन का है ना जी, बिल्कुल, तो क्योंकि तुम वो आर्ट के जरिए वो बेशक थोड़ा नहीं मिले होंगे कदम, बट तुम उन्होंने अपना बना चुके होंगे, तो असी तो सुहेल सर अपना बना चुके से पहले तो ही, सो मैनू मिलन की इच्छा से, पर शुक्र है कि मैं काम करने का मौका भी मिले, तो दोनों आर्टिस्टों का मैं काम करने का मौका मिले जी, तो मेरे लिए तो ऑबवियसली यादगार है फिल्म। तुहाडे वास्ते की कोई यादगार लम्हा ऐसा जिहड़ा इस फिल्म का शूट के दौरान तुहानू हमेशा याद रहे? बॉम्बे जांदी सारे नूं पता है ना, सारे कहिंदे ओ बहुत तू पंजाब च बहुत वधिया कर रही है, मैं सुनिया है ना दिलजीत नाल कोई फिल्म मैंने अजे तक नहीं की, हूँ मेरे लगता है उन्होंने पहचान हो गई, कहते अच्छा दिलजीत नाल फिल्म आ रही, कहते हूँ पंजाबी फिल्म कर ली इन्हें, शुक्र है कहते हूँ इन्हें पंजाबी फिल्म कर ली इन्ने साल बाद, तो मैं लगता है कि एंड मेरे पापा बहुत वड्डे फैन आ सुहेल सर दे है ना, तो मेरे पापा नूं ऐ लगे सोने ते सुहाग, कहते एक तो इन्हें पंजाबी फिल्म कर ली 7 साल बाद हूँ सुहेल जी भी आ गए, सो फॉर मी जस्ट द फैक्ट दैट आई एम शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद देम उही बहुत वड्डी गल आ। फॉरन जब स्क्रिप्ट आई ऑफर आई बाबे पंगड़ा पौंदे ने स्क्रिप्ट पढ़ी ये फॉरन हाँ कर दी कि नहीं दिलजीत के साथ काम नहीं, मैं सच्ची बात है कि मैं 99% ते इन्हां दे नाम सुन के ही ओके थोम हो गया सा कि ते करनी ही है, उसके बाद जो स्क्रिप्ट सुनिया तो वह बहुत खुशी ये हुई कि इन्होंने मेरे ते बिलीव किया, इन्हों की मेहरबानी, वरना तुम इन्ह पंजाबी फिल्मा देख दई हो, ये हूँ होर लैवल पर आ गए ने, ये हूँ उन्हों मतलब जेडे प्रोड्यूसर ने दिलजीत थिंड साहब उन्होंने एक मैं फिक्रा किया कि भाजी पंजाबी ना हूँ हॉलीवुड लैवल पर लैके जाना है,
मैं भी पंजाबी मैनू बड़ा प्यारा लगा है फिक्रा मैं वाह 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 तो ये प्रैक्टिकली कर रहे ने लोग तुसी चुके कोई चीज़ लुकी तो रहती नहीं आर्टिस्ट की कम जो स्क्रीन पर जो नज़र आता इन्ह दियां फिल्मां ने दिलजीत सर दियां और सरगुन जी दियां वो तुसी देखते हो कि उहदा लैवल हुण हो रहे उहदी प्रोडक्शन हो रहे पहले पिछे मझां नज़र आउंदियां हुण हुण पिछे फैरियां नज़र आ रही देखो नज़र आ तो चलते शॉट च पूंछ मार के अगे शॉट खराब कर दिंदी सी मझ हुण बेहतरीन पिछे लोकेशन इंग्लिश नज़र आ रही ने और रिचनैस नज़र आती है नो डाउट ये सारा कुछ जड़ा है चाहिए चूंकि हुण जिद्दत इतनी आ चुकी है टैक्नोलॉजी च भी और लुक च भी लोगों हुण पहले मैं कहना वा कि पहले हुंदा सी कि असी साडे पासे वाल ना इधर थर्ड वर्ल्ड वाल पता लगता सी जदों लंडे की गंढ पहुँचती सी लंडे की गठड़ी पहुँचती सी ना साडे कोल शिप दे जरिए साल डेढ़ साल बाद ते सानू पता लगता सी ओह पेंट की मोहरी छोटी हो गई है फिर असी छोटियां सवा लेंदे हां ते पता लगदा उधर हुण वड्डी हो गई है जहाज लेट पहुँचे ते हुण ते न्यूयॉर्क दे मेन बुलेवार्ड दे उत्ते गड्डी वजदी है ते फौरन इत्थे पता लग जांदा है पता लग जांदा है विद इन फ्यू सैकेंड्स दैट्स वाई हुण कोई शै लुकी ही नहीं हुई हुण तुहानू ग्लोबल विलेज जिन्नू असी कहने आ उहदे च तुहानू हुण बड़े हाई लैवल ते जा के वर्क करना पैगा और सिंह पूरे फसाने पैणगे ते इह बड़ी अच्छी गल है पंजाब दे जिहड़े फिल्म मेकर ने और आर्टिस्ट ने वो हुण एक हाई लैवल ते सोचदे ने मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा इस गल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਨਸ ਖਾਸ ਕਰ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੈਨਸ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਗੋਂਦਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਗੋਂਦਲ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੌਂਸਲਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਇੱਥੇ ਉਤਰਦਾ ਸੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਅਗਲੀ ਫਲਾਈਟ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਕਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੈਸੇਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫੈਨਸ ਨੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੈਸਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਛੇੜੇ ਛਾਂਡ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਨਾ ਬਣਾਓ ਫਿਲਮ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਹਸਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੇ ਹਸਾਉਣਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮਨ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਫੈਨ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਲਜੀਤ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਜਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਲ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਪੁਆਧੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ 4-5 ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਗਏ
इन्हां रीजनस दे विच की है उत्थे ही चेंज हो जाती है बोली, तो अपना तो फिर इत्थे बॉर्डर आ गया विच, तो काफ़ी जड़ा डिफरेंस है। चलो नेक्स्ट गल है कि फिल्म इन्हां दी आ रही है, सारे ने देखो इंजॉय करो, बहुत अच्छी फिल्म होने वाली है। मतलब आर्टिस्ट पाकिस्तान के पहला भी आए सी चल मेरा पुत विच, अमरिंदर गिल भाजी नाल, इफ्तिखार ठाकुर, नासर चनौती, अक्रम उदास, होर खेसर पिया वगैरह, सारे मतलब काफ़ी सारे आर्टिस्ट आए हैं। पर सुहेल अहमद साहब जो सारे के गुरु ने, वह भी हुण इधर फाइनली आ गए है, तो वह भी इधर जिहड़ा दलजीत बंदा है, मतलब इंटरनेशनली जिहड़ा सब तो फेमस है, जिहड़ा किंग है, किंग ऑफ पंजाब कह लो जां किंग ऑफ पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री कह लो, तो उन्होंने नाल मतलब दो जिहड़े लीजेंड है वह इकट्ठे होकर आए हैं, तो बहुत अच्छी फिल्म होने वाली है, अमेजिंग होएगी, तुम हस हस कमले हो जाना, मैनू मगे आई एम डैम श्योर। सो जाके फिल्म जरूर देखियो। पंजाबी फिल्मों के काफ़ी चेंज आ गया, आ चुक है वैसे ही, एंड बाहर फिल्म जड़ियाँ शूट होंगे, बहुत सारे शूट होंगे, काफ़ी सारे रीजनस होंगे, चाहे वो कह लो कि एक वरायटी आ गई, एडवांस हो गया कम, चेंज आ गया, जां फिर कह लो जे प्रोडक्शन की तरफों देखिए, टैक्नीकल तरीके देखिए, तो उधर सबसिडी मिलती है, जिकरे जी मेकरस आ बाहर फिल्म शूट करते हैं उन्होंने सबसिडी मिलती है, ठीक है, इंडिया सबसिडी नहीं मिलती। सो ये एडवांटेज भी है, तो एक आउटपुट है जो निकलती, वह भी एडवांटेज है। सो ये विन विन सिचुएशन है। सो मज़ा आऊगा, देखियो, इंजॉय करो, एंड तुहानू रिएक्शन किदां लग्या, वीडियो किदां लगी, कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं किसी और वीडियो, सत श्री अकाल।